लेनी होगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उधर सदन में उठी भील प्रदेश की मांग, और एक बार फिर से आपको बता दें कि बीएपी विधायक थावर चंद्र ने मांग उठाई है और कहा कि भील जाति नहीं बल्कि बोली के आधार पर प्रदेश की मांग है। भील प्रदेश का नारा लिखी टी शर्ट पहनकर थावरचंद जो है वो पहुंचे और बोले कि तीर कमान मेरी पहचान है, जोहार मेरा अभिवादन है और प्रकृति हमारी पूजा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भील प्रदेश मेरा अधिकार है और इस अधिकार को हम लेकर ही रहेंगे। तो आज सदन में कई मुद्दे जो है वो देखने को मिले, कई मांगे यहां पर उठी, लेकिन इसके अलावा लंबे समय से भील प्रदेश की मांग भी उठाई जा रही है। और एक बार फिर से आज बीएपी विधायक थावरचंद ने ये मांग उठाई सदन में। उन्होंने कहा कि भील प्रदेश जो है वो उनका अधिकार है, भील जाति नहीं बल्कि बोली के आधार पर प्रदेश की मांग कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा बीएपी विधायक ने ये भी आपको सुनवा देते हैं। आदिवासी मेरा धर्म है, जोहार मेरा अभिवादन है, प्रकृति मेरी पूजा है, तीर कमान मेरी पहचान है, अंबेडकर बिरसा मेरा स्वाभिमान है, भील प्रदेश मेरा अधिकार है और इस अधिकार को हम लेके रहेंगे। और इस पर हमारे ब्यूरो चीफ शशिमोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। शशिमोहन, बीएपी विधायक थावरचंद ने एक बार फिर से, क्योंकि लंबे समय से मांग उठ रही है भील प्रदेश की, लेकिन आज सदन में भी ये मांग उठाई गई। देखिए, सदन में ये मांग उठाने का उनके पास मौका था। दरअसल आज भील प्रदेश को लेकर के आदिवासियों का जो आराध्य स्थल मानगढ़ धाम के रूप में स्थान है, वहां पर एक बड़ा सम्मेलन भी था जहां राजकुमार रोड सांसद हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर के, वो भी पहुंचे थे और जो विधायक साथी दूसरे हैं वो भी वहां गए थे। लेकिन थावरचंद को यहाँ इसीलिए रखा गया विधानसभा में जिससे कि सदन की कार्रवाई में उनकी बात को नोट कराया जा सके, पूरे प्रदेश का ध्यान उनकी मांग की तरफ आकर्षित किया जा सके। और इसीलिए आज थावरचंद जो विधायक हैं बीएपी के, वो भील प्रदेश का नारा लिखी हुई टी शर्ट पहन करके आए। उन्होंने अपने बात के समर्थन में तर्क देते हुए कहा कि वो भील प्रदेश की मांग जाति के आधार पर नहीं कर रहे, जैसा टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि अगर जाति के आधार पर मांग होने लगेगी तो दूसरी जातियां भी उठ जाएंगी, बल्कि वो भीली बोली यानी भीलों के बीच में जो बोले जाने वाली बोली है, डायलेक्ट है लोकल, उसके आधार पर प्रदेश की मांग कर रहे थे। और उन्होंने साफ कहा कि तीर कमान उनकी पहचान है, प्रकृति उनकी पूजा है, अंबेडकर और बिरसा उनका अभिमान है, जौहर उनका अभिवादन है, भील प्रदेश उनका अधिकार है, ये उन्होंने सदन में ऐलान किया। और लग रहा है कि वागड़ के क्षेत्र में लंबे समय तक ये मुद्दा जीवित रहेगा और कुछ विश्लेषक तो इस मुद्दे को बीएपी के लिए राम मंदिर के मुद्दे की तरह संज्ञा दे रहे हैं। ये माना जा रहा है कि बीएपी के पास ये मुद्दा अब उनके राजनीति को आगे बढ़ाने का आधार बन जाएगा। ठीक है, ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।